हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अम्यूजमेंट बैश। मज़ीद वीडियो के लिए पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम फैसलाबाद की मशहूर सौगात पीपल बाटा की जलेबी शॉप पे मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ट्रेडिशनल जलेबी से डिफरेंट जलेबी है। इन्होंने स्पेशल मशीन इन्वेंट की हुई है जिससे हर जलेबी का साइज़ सिमेट्रिकल है। एक ही साइज़ की जलेबियाँ बनती हैं, काफ़ी बारीक और खस्ता जलेबियाँ बनती हैं। जो ट्रेडिशनल जलेबी है उससे बहुत डिफरेंट है। काफ़ी लोगों का रश होता है यहाँ पे। इवन हमें जलेबी लेने के लिए यहाँ कोई हाफ़ एन आवर वेट करना पड़ा। ये फैसलाबाद में जाल के ऊपर मौजूद है। जो ओनर है मोहम्मद अशरफ साहब, काफ़ी खुश मिजाज रखते, काफ़ी टिपिकल फैसलाबाद बिहेवियर था। लोगों से इंजॉय कर रहे थे, घुल मिल रहे थे, जुकते लगा रहे थे। ये जलेबी खस्ता और बारीक होने की वजह से बहुत ज़्यादा शीरा भी जज्ब नहीं करती, जिसकी वजह से ये उन लोगों के लिए भी पसंदीदा हो सकती है जो बहुत कम मीठा खाते हैं, क्योंकि ये इसमें मिठास उतनी ज़्यादा नहीं होती, शीरा कम रचता है। आप देख रहे हैं कितनी बारीक और खस्ता जलेबियाँ हैं। बाकी ओनर काफ़ी ज़्यादा जेनरस और सखी दिल थे। इवन मैं देखा कि काफ़ी वहाँ पे गरीब लोग आए या कोई ऐसे लोग आए जिनको उसने जलेबियाँ विदाउट पैसों के भी दे दी। इवन वो वेट 1 kg में 16 की बजाय 17 जलेबियाँ डाल रहे थे। मतलब अल्लाह ताला ने उसके रिस्क में भी काफ़ी बरकत दी हुई थी। उसकी दुकान का रश इस चीज़ को शो करता था कि वो कितना अच्छा इंसान है। और वाकई ये जलेबियाँ जो थी बहुत टेस्टिंग थी। ऐसी जलेबी मैंने पहले कभी ट्राई नहीं की। आप में से जो कोई भी फैसलाबाद जाए, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि वो जाल पे जाए और पीपल बाटा की मशहूर जलेबी जो है इसको ट्राई करे। इंशाल्लाह होप यू लाइक इट। मज़ीद वीडियो के लिए पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।